सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा वाच्य परिवर्तन कर्ति कर्म वाच्य। इसमें जो प्रैक्टिस सेट है इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आया हूं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर CBSE 9th और 10th में है आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आते हैं हर बार मैक्सिमम आए हैं उनसे मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी में है तो वहाँ भी आपको वाच्य पूछा जाता है, परिवर्तन के लिए पूछा जाता है, भेद पूछा जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आएगा आपको तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों वीडियो आपके लिए ही है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। चलिए तो ये है आपके वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन में पहला देखिए, मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया, इसे आप बदलें कर्तृवाच्य में। यस, इस पे आपको टाइम लग सकता है, थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं आप, सोचें, कॉपी लेके आप ना लिख के भी कर सकते हैं। वीडियो को थोड़ा सा रोकें, टाइम लें, कोशिश करें वीडियो के साथ साथ बताएं। चलिए ये था आपका मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। दूसरा देखो, मेरा मित्र चल नहीं पाता। मेरा मित्र चल नहीं पाता, इसे आपने बदलना है भाववाच्य में। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक बिल्कुल कर दें अभी, क्योंकि बाद में आप वीडियो के कंटेंट में खोने वाले हैं। और अपने आंसर सही उत्तरों की जो गिनती है टोटल भी करते जाएं साथ में, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। चलिए इसका सही उत्तर है, मेरे मित्र से चला नहीं जाता। मेरे मित्र से चला नहीं जाता। तीसरा देखो, उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली। उन्होंने उछल कर डोर पकड़ ली, इसे बदलें आप कर्मवाच्य में। यस, कर्मवाच्य में बदलें। चैनल पर अगर नए आने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फ्री वाला सब्सक्राइब होता है लेकिन आपको काम बहुत आएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए ये इसका उत्तर था, उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। उनके द्वारा उछलकर डोर पकड़ ली गई। चौथा देखो, दादाजी द्वारा हम सबको चॉकलेट दी गई। दादाजी द्वारा हम सबको चॉकलेट दी गई, इसे आपने बदलना है कर्तृवाच्य में। यस, ट्राई कीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, सोच समझ करके आराम से सही उत्तर ही दें। यस, हो गया होगा आपका। चलिए इसका सही उत्तर है, दादाजी ने हम सबको चॉकलेट दी। दादाजी ने हम सबको चॉकलेट दी, वेरी गुड। पांचवा देखो, उनके सामने कौन बोल सकेगा। उनके सामने कौन बोल सकेगा, इसे आप भाववाच्य में बदलें भाववाच्य में। ये प्रैक्टिस सेट अगर आपके 90 अबव मार्क्स आते हैं तो इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही सीख रहे हैं। अगर आपके इससे कम आते हैं तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, मेहनत करने की। आपको वाच्य से रिलेटेड वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है, उनके सामने किससे बोला जाएगा। उनके सामने किससे बोला जाएगा। छठा देखो, श्रोताओं ने कविता की तारीफ की। श्रोता सुनने वालों ने कविता की तारीफ की, इसे आप बदलें कर्मवाच्य में। यस, ट्राई करें, टाइम दें आप।
अपने आंसर से रिलेटेड कुछ सुझाव, कमेंट, डाउट, उसके लिए हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है श्रोताओं द्वारा कविता की तारीफ की गई, श्रोताओं द्वारा कविता की तारीफ की गई। अगला देखो सातवां, वह चल नहीं सकता, वह चल नहीं सकता। इसे बदलें आप भाववाच्य में, भाववाच्य में बदलें, वह चल नहीं सकता। यस, कोशिश करें आप। यस, इसका सही उत्तर है उससे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता। आठवां सवाल, अध्यापक द्वारा परीक्षा के लिए क्या कहा गया, अध्यापक द्वारा परीक्षा के लिए क्या कहा गया। इसे आप कर्तृवाच्य में बदलें, कर्तृवाच्य में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर पहली बार आने वाले सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। ये सोच लिया होगा आपने। ओके, तो अगला इसका उत्तर है अध्यापक ने परीक्षा के बारे में क्या कहा, अध्यापक ने परीक्षा के बारे में क्या कहा। नवा देखो, अब नानी कहानी नहीं सुनाती, अब नानी कहानी नहीं सुनाती। से आप कर्मवाच्य में बदलें, कर्मवाच्य। करें ट्राई, कॉपी पेन लेके भी कर सकते हैं आप, अपने सही उत्तर की टोटलिंग भी करते जाएं साथ में। थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा हल्का सा 2-4% का चेंज चल जाता है लेकिन पूरा नहीं चलेगा। चलिए, इसका सही उत्तर है अब नानी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती, अब नानी द्वारा कहानी नहीं सुनाई जाती। चलिए अगला देखो, दसवां, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता, वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। इसे बदले भाववाच्य में। अपने किसी भी आंसर की डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग जरूर करें, डाउट में ना रहें, अपने डाउट को क्लियर जरूर करें। यस, ट्राई करें। ओके, तो इसका सही उत्तर है यस, उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता, या उससे चुपचाप बैठ नहीं जाता, नहीं बैठा जाता है, बैठा नहीं जाता, एक ही बात है। चलिए आगे देखो, 11वां सवाल, इस समय उससे पुस्तक पढ़ी जा रही होगी। ये का नहीं है, ये है जा, गलती से हो गया है। तो ये इस समय उससे पुस्तक पढ़ी जा रही होगी, का नहीं है, का की जगह आप जा ले लें। इस समय उससे पुस्तक पढ़ी जा रही होगी, इसे आप बदलें कर्तृवाच्य में। मिस्टेक हो गया, ये टाइपिंग मिस्टेक। यस, चलिए इसका सही उत्तर है इस समय वह पुस्तक पढ़ रही होगी, इस समय वह पुस्तक पढ़ रही होगी। फ्यूचर सेंस में सेंटेंस है तो फ्यूचर सेंस में ही आपको बदलना होगा। चलिए 12वां है, तुम टहल नहीं सकते हो, तुम टहल नहीं सकते हो। इसे भाववाच्य में बदलें। यस, भाववाच्य में ट्राई कीजिए। गुड, भाववाच्य में बदलें इसे, टाइम लगाएं। इसका सही उत्तर है यस, तुमसे टहला नहीं जाता, तुमसे टहला नहीं जाता। चलिए नेक्स्ट, 13वां सवाल, मालिक फल निकालकर मेरी ओर उछालेगा, उछालेगा मतलब मुझे देगा, मालिक फल निकालकर मेरी ओर उछालेगा। इसे बदलें कर्मवाच्य में। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, ध्यान से अपने आंसर को करें, सही उत्तर करने की कोशिश करें, जल्दबाजी में तुक्का ना मारें। यस, इसका सही उत्तर है मालिक द्वारा फल निकालकर मेरी ओर उछाला जाएगा,
मालिक द्वारा फल निकालकर मेरी ओर उछाला जाएगा। 14वां सवाल, नवाब साहब द्वारा यत्न पूर्वक खीरा काटा गया। नवाब साहब द्वारा यत्न पूर्वक खीरा काटा गया। कर्तृवाच्य में बदलें। यस ट्राई। ओके हो गया होगा आपका। तो इसका सही उत्तर है नवाब साहब ने यत्न पूर्वक खीरा काटा। यत्न पूर्वक खीरा काटा। यस 15वां सवाल, मैंने पिछले महीने कार बेच दी से आप कर्मवाच्य में बदलें। कर्मवाच्य में। गुड। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें अगर नए आए हैं आप, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो हमारी कौन सी होगी वो सबसे पहले मिलेगी आपको। तो चलिए हो गया होगा। इसका सही उत्तर है मेरे द्वारा पिछले महीने कार बेच दी गई। यस। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, काम भी आएगा, एग्जाम के दौरान बहुत हेल्प करेगा आपकी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करें अपने बाकी दोस्तों के साथ। शेयर वाला ऑप्शन है वीडियो के नीचे, देखिए आप शेयर लिखा हुआ है, तो शेयर जरूर करें। और अगर कोई सुझाव हो, कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो इसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। उसका शीर्षक होगा वाक्य भेद की पहचान। वाच्य भेद की पहचान।